जब आपका ग्रेजुएशन करने के बाद आप सोचा था एमएलए बनेगा बोल के? नहीं, ऐसे कुछ एमएलए बनेगा बोलकर तो नहीं सोचा है, लेकिन सोशल सर्विस करेगा अपना एरिया में सोच के, हम सोशल सर्विस करके तो था। आपको एमएलए कंटेस्ट करने के लिए सिचुएशन कैसा आया वो थोड़ा बता दीजिए। 2005 में ग्रेजुएशन करने के बाद हमको हमारा एरिया का यूथ्स ने हमको एरिया का बासर एरिया स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट के लिए हमको चुना गया था 2005 में। मैं ही एक फाउंडर प्रेसिडेंट था, तो उसमें कभी भी बासर में हम लोग एनक्रोचमेंट और लेंथ का एनक्रोचमेंट कभी होने नहीं देता था, हम लोग चेक करता था उसको हमेशा। और स्टूडेंट्स के लिए हम लोग अवेयरनेस कैंप करके वहाँ पर हमेशा एजुकेशन का बारे में प्रचार करते रहा। तो उसके बाद हमको दोबारा और प्रेसिडेंट चुना गया बासर एरिया स्टूडेंट यूनियन का अनफोर्स, मेरा परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो ऐसे बासर एरिया स्टूडेंट यूनियन दोबारा टर्म में भी मेरा परफॉर्मेंस को देख के हम बासर को यूथ्स को इतना अच्छे से मोटिवेट करके पॉजिटिव लाइन में हम लाते रहा। तो उसको देखते हुए हमको मेरा गालो स्टूडेंट यूनियन में दोबारा रिकमेंड किया, वहाँ का जितना बासर का मेरा यूथ्स है स्टूडेंट्स है। तो उसके बाद गालो स्टूडेंट यूनियन कॉन्फ्रेंस जब 2008 में आलो में, वहाँ पे मेरा अगेंस्ट में भी दो कैंडिडेट था, लेकिन परफॉर्मेंस को देखते हुए वहाँ पे भी मुझे अनफोर्स बनाया गया। तो ऐसे गालो स्टूडेंट यूनियन भी हम गालो को यूनाइट करने में हम सक्सेस रहा। हम मैं आई वॉज नॉट द फाउंडर प्रेसिडेंट, लेकिन मैं सेकेंड प्रेसिडेंट था, लेकिन भी मेरा टेन्योर में हम सब गालो को हम यूनाइट कर सका। तो उसके बाद मेरा उस परफॉर्मेंस को देखते हुए मेरा बासर में यूथ्स ने हमको दोबारा लीडर बनाने के लिए, पंचायत में लाने के लिए वहाँ पे हमको प्रेशर करना लगा। तो हम 2013 में जज पीएम बनने के लिए हम कोशिश किया, लेकिन वहाँ पे लास्ट एम मौके पे पॉलिटिकलाइज करके जिला सेगमेंट को दो करके मेरा सेगमेंट में रिजर्वेशन डाल के मुझे वहाँ पे इवन कैंडिडेट तक भी क्वालिफाइड करने नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपना जो एरिया को जो सर्विस है मैं देने के लिए मैं कभी पीछे नहीं रहा। अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी बासर यूनिट ने मुझे एडवाइज़र बनाया। तो एडवाइज़र बनाने के बाद मैं वहाँ का वुमेन का प्रॉब्लम को हमेशा मैं एड्रेस करने का कोशिश किया। स्पेशली वहाँ का एक मेजर जो इशू था लेंथ कॉम्पेंसेशन को लेके, वहाँ पे मेरा एरिया में मेरा बस्ती बस्ती का मेरा माँ, मेरा ग्रैंड माँ, मेरा माँ सब वुमेन फोक सब्जी बिक्री करके इतना मेहनत करके जिस जगह में सब्जी बेचता था, तो उसी जगह को कॉम्पेंसेशन में उसमें भी बहुत थोड़ा सिर्फ 12 लाख सिर्फ बनाया गया है। तो उसी को भी वहाँ का कोई पंचायत लीडर ने अपना नाम में बना के उसको अपना अकाउंट में ट्रांसफ़र करके छुपा के रख दिया था। तो हम APWSS वुमेन वेलफेयर सोसाइटी बासर यूनिट का साथ मिल के उसका उनका ऑफिस में हम लोगों ने मीटिंग किया। तो मीटिंग करने के बाद हम लोगों ने एक रिजोल्यूशन लिया कि अननोन FIR एक देना चाहिए बोल के हम लोग कोशिश किया देने के लिए। तब उसके बाद वो पंचायत लीडर डर के अपना पैसा को वहाँ पे हम ADC का वहाँ पे उस समय में तो डिप्टी कमिश्नर नहीं था बासर, तो डिस्ट्रिक्ट उस समय में दिया नहीं गया था, तो ADC था। तो वहाँ पे आके वो खुद पैसा को सरेंडर किया। तो मेरा मेजर एक वुमेन फोक के लिए ये एक बहुत बड़ा योगदान था। तो इसी को देख के हर सेक्टर में, स्टूडेंट सेक्टर में, उसके बाद वुमेन फोक का और वहाँ का बासर एरिया के लिए मेरा जो सोशल सर्विस को देख के 2019 में बासर का जितना भी यूथ्स है जो ग्रास रूट पे रहता है, जो एरिया पे रहता है, एरिया का प्रॉब्लम को जो फेस कर रहा था, उन्होंने हर बासर का प्रॉब्लम को देखते हुए वहाँ का रास्ता का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम को, उसके बाद हॉस्पिटल प्रॉब्लम, एकदम सब ये प्रॉब्लम को देख के मुझे 2019 में प्रोजेक्ट किया। तो इसीलिए मैं जनता की वॉइस को, स्पेशली वुमेन फोक और यूथ, उसके बाद वहाँ के जितना ऑफिसर्स, ये सब मिल के हमको प्रेशर करने लगा। तो मैं 2019 में कॉन्टेस्ट करने के लिए मैं ग्राउंड में उतरने लगा। तब यही है मेरा एक जो MLA कैंडिडेट बनने का जर्नी मेरा वही था। तो उसके बाद कैंडिडेट बनने के बाद भी वहाँ पे बहुत प्रेशर था, क्योंकि हम एक BJP का
खिलाफ, बीजेपी कैंडिडेट का खिलाफ मैं वहाँ पे लड़ रहा था। मेरा बसार का जनता, मेरा बसार का पब्लिक जो है उसका अपना ताकत, अपना डेमोक्रेसी में अपना हिम्मत, अपना वैल्यू को दिखाते हुए इस बार मुझे चुनाया गया। इसीलिए ये सब आज हम MLA बना, ये सब क्रेडिट जो है मेरा 29 बसार का जनता का क्रेडिट है। वो उन लोगों का जो 18,000 जो पॉपुलेशन मेरा वहाँ पे वोटर्स है उसका क्रेडिट है कि इस बार हमको चुन के असेंबली में 29 बसार को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया।